बहुत बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है दिल्ली में। ब्लॉक करना इसीलिए मुश्किल होता है और मज़ा नहीं आता क्योंकि ट्रैफिक ही बहुत ज़्यादा होता है। जहाँ पे ट्रैफिक जैसे ही ख़त्म होता है अगली रेड लाइट में फिर से ट्रैफिक मिल जाता है। ये दिल्ली है मेरी जान, यहाँ पे ऐसे ही होता है। सो बड़े दिनों के बाद वीडियो बनाने आज हम निकले हैं। सो व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल, की हाल चाल, आई होप आप सब बढ़िया होंगे मेरी तरह। सो बहुत टाइम के बाद हम जब से ट्रिप से आए हैं तब उसके बाद अब पहली वीडियो शूट कर रहे हैं, क्योंकि पहले हम एडिटिंग में लगा हुआ था क्योंकि एडिटिंग अभी उतनी अच्छी तरह से नहीं आती है, प्रो नहीं है अभी, नूब और प्रो के बीच में है तो, बट हो जाता है। और वीडियो थोड़ी लंबी थी इसलिए टाइम भी ज़्यादा लग रहा था, तो मुझे ये था कि पहले मैं फटाफट वीडियो का काम कंप्लीट कर लूँ उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे आऊँगा। और बाकी हर वीक हर संडे वीडियो आएगी आप लोगों के लिए, क्योंकि संडे आप लोगों की भी छुट्टी होती है, तो मेरा ऑलवेज कोशिश रहेगी कि आप लोगों को संडे एंटरटेनमेंट में दे दूँ। तो आज कहाँ जाने वाले हैं, क्योंकि अभी आपको बताऊँ तो एक और ट्रिप की तैयारी कर रहा हूँ मैं, हो सकता है जल्दी उसके बारे में भी बताऊँगा आपको, निकल के बताऊँगा, पहले नहीं बताऊँगा क्योंकि मैं पहले जब भी बताता हूँ तो वो हमेशा कैंसिल हो जाती है, इसलिए मैं पहले नहीं बताऊँगा। बट कोई ट्रिप की मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, और अब प्लानिंग कर रहा हूँ तो बाइक को भी कुछ काम करवाना है। हुआ क्या कि अभी कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा बारिश आई थी दिल्ली में, तो जिस वजह से मेरी बाइक की जो लाइट लगवाई थी मैंने एच जे जी की वो थोड़ी सी एक वाइट कलर उसमें नहीं जल रहा है, तो मैंने कहा लगे हाथ करवा लेते हैं क्योंकि अभी ये सब नया लगवाया था, तो एक बार लगवा लेते हैं ताकि फटाफट से इसको ठीक करवा लें। बस आ गई है, बस को कंप्लीट करके ना आगे आपसे बात करता हूँ। ये ट्रिप की प्लानिंग हो रही है, जल्दी एग्जीक्यूट होगी तो आपको बताएंगे। और जो रिस्पॉन्स आपने स्पीति वाली सुप्रीम स्पीति ट्रिप को दिया है बहुत ही बढ़िया लगा मुझे, तो काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं, तो अच्छा लगता है जब बैठ के मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ। मैं करता क्या हूँ कि फैमिली के साथ बैठ के सारे कमेंट्स एक बार रीड करता हूँ कि क्या क्या कमेंट्स आए हैं, तो अच्छा लगता है। तो बढ़िया रहा ट्रिप, बहुत अच्छी थी। अब अगली ट्रिप जो है वो भी बहुत अच्छी जगह पे है, अभी आपको पता लगेगा। और इंस्टाग्राम पे मैंने बहुत सी फ़ोटोज़ डाली है, अभी और भी चल रही हैं, तो आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम नीचे मेरा आ रहा आईडी, इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कर लो ताकि वहाँ पे आपको अच्छी अच्छी जो फ़ोटोज़ हैं मेरी ट्रिप के वो सारी मिल जाए। अभी चलते हैं फटाफट से करोल बाग जाके वो लाइट का एक बार काम करवाते हैं, और मेरे पास ग्लव्स नहीं है और ग्लव्स भी देखेंगे। वैसे अभी ग्रेट इंडियन सेल चल रही है अमेज़ोन की, तो उसमें काफ़ी अच्छी सेल आई हुई है उसके ऊपर, रॉयल एनफील्ड के ग्लव्स के ऊपर। बट मुझे एक बार BBG जो है ब्रांड बाइकर ब्रदरहुड, उनका एक बार ग्लव्स चेक करने हैं, अगर वो अच्छे हुए तो मैं वो वाले लूँगा और रेट का भी डिफरेंस चेक करूँगा। तो फटाफट से चलते हैं करोल बाग और फिर देखते हैं एक बार कि काम करवाते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है दिल्ली में, ब्लॉक करना इसीलिए मुश्किल होता है और मज़ा नहीं आता क्योंकि ट्रैफिक ही बहुत ज़्यादा होता है। जहाँ पे ट्रैफिक जैसे ही ख़त्म होता है अगली रेड लाइट में फिर से ट्रैफिक मिल जाता है। ये दिल्ली है मेरी जान, यहाँ पे ऐसे ही होता है। सो अभी बस मैं पहुँच गया हूँ करोल बाग मेट्रो स्टेशन, वहाँ से चलते हैं हम अपना बाइक मार्केट की तरफ और फिर वहाँ से लेते हैं सामान। सो करोल बाग आए और ट्रैफिक ना मिले ऐसा तो हो नहीं सकता, और कोई अलग सी ड्राइविंग ना करे ऐसा भी नहीं हो सकता। मुझे नहीं समझ आ रहा ये करना क्या चाहता है, ये कहाँ से मोड़ रहा है, तो थोड़ा सा आगे लाके मोड़ रहे। तो ये बहुत दिक्कत है कई लोगों में। चलो फटाफट से शॉप पे जाते हैं, हमने जाना है बंगाली बाइक एक्सेसरीज, बंगाल बाइक एक्सेसरी है बंगाली बाइक एक्सेसरी मुझे नहीं कंफर्म, तो हमने जाना है वहाँ पे जहाँ से लाइट लगवाई थी, तो फटाफट से चलते हैं पहुँचते हैं वहाँ पे। तो दिक्कत क्या हो रही है मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि अगर आप देखोगे ना ये वाली लाइट, तो ये वाइट जल रही है, इधर की वाइट नहीं जल रही लेकिन येलो दोनों साइड की जल रही है। तो अभी ट्रिप पर जाना है तो ये चीज़ ठीक करवानी पड़ेगी। एक और चीज़, अभी बारिश के चक्कर में ये जो फ्रंट वाली लाइट है ये भी ख़राब हो गई थी, तो ये करीब 3-4 साल से चल रही है, तो ये भी चेंज करवानी है। ये दोनों चेंज हो जाएंगी तो अच्छे से काम हो जाएगा। अभी क्या कर रहे हैं, एक बार बैटरी लगा के चेक कर रहे हैं कि क्या प्लग में दिक्कत है या क्या है, तो जैसे भी होगा एक बार चेक कर रहे हैं।
सी हमने एलई जो हमने क्या किया है कि बेसिकली यहाँ देखोगे यहाँ की लाइट जो है उन्होंने निकाल के रख ली है। वो कह रहे हैं इसको मैं रिपेयर करवा दूंगा। तो पहले उनका एक लड़का आया, वो कहता कि ये ठीक नहीं होगा, आपको चेंज करनी पड़ेगी। मैंने कहा एक बात बता कि जब तुमने बेची थी तब तूने कहा था, तेरे बंदे ने कहा था कि ये रिपेयर हो जाती है, तो अब तुम कह रहे हो कि ये रिपेयर नहीं होगी। तो मैंने उसको बोला थोड़ा सा, तो उसका जो मालिक था वो कहता नहीं नहीं हो जाए, मैं करवा दूंगा, आप इसको छोड़ जाओ, थोड़ा टाइम दे दो, मैं करवा दूंगा। तो मैंने उससे कहा कि मुझे एक राइड पे जाना है, उससे पहले पहले चाहिए, तो मोस्ट प्रॉब्ली हो जाएगी, मज़ा आ जाएगा फिर दोबारा से। अभी मेरे को ये ग्लव्स लेने आए थे लेकिन ग्लव्स नहीं मिले जो उनसे मुझे चाहिए, तो लेट्स सी, देखता हूँ शायद ऑनलाइन मंगवा लूँ। अभी चलते हैं फटाफट से और हम आगे चलते हैं कुछ खाने। सो भाई लोगों, इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे हम जब उसका कॉल आ जाएगा कि आपकी लाइट रिपेयर हो गई है या जो भी है, जब वहाँ पे दोबारा जाएंगे तो इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, आपको दिखाएंगे कि क्या हुआ था। तो अगर आपकी भी लाइट ख़राब हो ऐसे तो क्या करना है, राइट? तो अभी फटाफट से इस वीडियो को यहीं क्लोज कर देते हैं और बाद में मिलेंगे हम अगली वीडियो में। बाय बाय। सो फाइनली हम आ गए हैं दोबारा से। हुआ क्या कि हमने जो ये लाइट उतरवाई थी तो हमने भैया को कहा था रिपेयर करवाने के लिए, बट वो कहते पहले उन्होंने कहा कि रिपेयर नहीं होती, बट बाद में उन्होंने बताया है कि रिपेयर हो जाती है। तो अभी भैया जी दोबारा से लगा रहे हैं। बाइक की गंदगी को मत देखना, अभी परसों वो सब सही हो जाएगा। बारिश में बाइक तो गंदी होती है। लाइट्स हो गई हैं, एक बार चलाना। ये येलो जल गई, वाइट, ये वाइट जल गई। तो पहले क्या हुआ था कि वाइट यहाँ एक साइड की बंद हो गई थी, ये वाली साइड की वाइट बंद हो गई थी, तो इन्होंने नई लगा के दी। तो उन्होंने वैसे इसकी ज़्यादा वारंटी नहीं होती लेकिन रिपेयर हो जाती है, तो उन्होंने क्या किया, बंगाल असेंबली से मैंने लगवाई है यहाँ से, ये बंगाल असेंबली। तो उन्होंने क्या किया, जो रिपेयर के चार्जेस होते हैं वो उन्होंने मुझसे ले लिए, और उन्होंने कहा तो यही है कि दूसरी लगा के दिया, बाकी मुझे पता नहीं, बाकी सही हो गई है, हमें यही बहुत है। मोटो ब्लॉग तो नहीं हो रहा है लेकिन आज हुआ क्या कि मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। तो हमने पहले जहाँ से हमने लाइट ली थी वहाँ पर जाके हमने लाइट चेक करवा ली, जो उस दिन दी थी आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देख लिया होगा। तो वहाँ पर हमने रिपेयर नहीं हुई लेकिन उन्होंने फिर मुझे दूसरी दे दी, जो रिपेयर के चार्जेस 200 रुपये लेके उन्होंने मुझे दूसरी लाइट दे दी, एक लाइट दूसरी दे दी, तो हो गया, वो मेरा काम हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि मैं फ्रंट की हेडलाइट चेक करवाने गया था, ये देखो फ्रंट की हेडलाइट मैं चेक करवाने गया था, लेकिन पहले चल नहीं रही थी, तो फिर चेक करवाया तो पता लगा कि उसका स्विच ख़राब है, लाइट बिल्कुल सही है। नहीं तो पहले मैंने नई लाइट ले ली थी, फिर वो उसी शॉप पर था तो उन्होंने वापस ले ली, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो अब ये जाते हैं आगे से, कोई यहाँ पे जाके एक बार फटाफट से, लाइट भी ठीक हो गई है, फटाफट से आगे घर जाते हैं, घर जाके कुछ काम है वो काम निपटाते हैं और फिर चलते हैं। वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो जो आएगी, हो सकता है ये जब वीडियो आप देखोगे तो मैं ऑलरेडी ट्रिप पर निकला हूँगा। अपडेट्स के लिए आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, नीचे आईडी आ रही है, वहाँ पर जाके मुझे फॉलो करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, दिस इज़ गुरप्रीत साइनिंग ऑफ। एक फ़ोन आ रहा है वो उठाना है, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।